तो देखिए जो यहाँ पर किन्नर समाज है वो यहाँ से मंच की तरफ निकल रहे हैं। तो देखिए जो 21 से लेकर के 51 तक जो वर वधु हैं वो सामने आ गुरु जी के द्वारा जो उपहार स्वरूप जो भी चीजें दी गई हैं बाहर की तरफ देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नजरे यहाँ पर आए हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, इससे पग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए इनकी जो है मांग है कि हिंदू किन्नर समाज है वो यहाँ से मंच की तरफ निकल रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। और जो ये छतरपुर के जो किन्नर समाज है वो देखिए यहाँ पर मंच तो देखिए जो 21 से लेकर के 51 तक जो वर वधु हैं वो सामने आप देख पा रहे होंगे जो ये माला अर्पण करने के लिए तैयार हैं और इनका देखिए जयमाल जो है होने वाला है और तमाम जो यहाँ पर वर वधु हैं वो आप सामने देख पा रहे होंगे। देख पा रहे होंगे उपहार स्वरूप जो भी चीज़ें रामचरितमानस और जो भी चीज़ें थाली में दी जा रही हैं और एक फोटो भी दिया जा रहा है वो किसका फोटो हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए जहाँ पर ये देखिए जो तमाम वर वधु हैं वो देखिए यहाँ से निकल रहे हैं और गुरुजी के द्वारा जो उपहार स्वरूप जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लेकर के जो इनके लिए अलग से जो है कि कॉटेज बनाया गया उसमें यहाँ पर वो लोग यहाँ पर जाकर बैठेंगे। हम लोग उस दीर्घा में जहाँ पर जो 121 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं आप पीछे देख पा रहे होंगे तमाम जो वर वधु हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मंच की हम बात करें तो देखिए मंच पर यहाँ पर देखिए जो जयमाल का कार्यक्रम वो चल रहा है और आगे की पंक्ति में जिनके जयमाल हो गए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पीछे की पंक्ति में देखिए जो वहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय उनका जयमाल इस समय चल रहा है और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पंडित जी अब जयमाल करा रहे हैं उसके बाद वर वधु। देखिए जहाँ एक और यहाँ पर जो तमाम वर वधु यहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं बाहर की तरफ देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नजरें गड़ाए हुए हैं वर वधु को देखने के लिए और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बागेश्वर धाम के दर्शन करने यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों में जोश और उमंग यहाँ पर आप देख सकते हैं और इतनी कड़कड़ाती धूप में भी लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं केवल महाराज का जो है कि एक दर्शन करने के लिए और यहाँ पर जयकारे की गूंज आप सुन पा रहे होंगे बागेश्वर धाम के जयकारे की गूंज जो है आप यहाँ पर सुन सकते हैं।
जो तमाम श्रद्धालु हैं वो इतनी धूप इतनी पसीने के बावजूद भी यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि अभी यहाँ पर आए हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। आप लोग किस लिए यहाँ पर बैठी हैं? गुरु जी के दर्शन करने के लिए। हाँ। और जो है शादी वो भी देखने के लिए आए। हाँ। हाँ। कैसा लग रहा शादी देखकर? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। इससे पहले भी कभी आई या पहली बार शादी देखने आई? क्या शादी पहली बार देखने आई? इससे पहले भी शादी में चार पांच बार आ चुकी। चारों बार? बहुत सारी, क्या बात है। कहाँ, क्या नाम हुआ? जयश्री बुंदेला। अरे आप कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे तो और भी अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पर जो रुमान के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और बगल में जो यहाँ पर जो तमाम जो वर वधु हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो खाली आप पंक्ति देख पा रहे होंगे, और वो लोग जो उधर से अभी क्रमांक से उधर से एंट्री कर रहे हैं। मांग है कि हिंदू राइट घोषित हो और तमाम तख्तियां, जैसा कि गुरुजी ने भी यहां पर अनुरोध किया था, उसके बाद से लोगों के हाथ में देखिए ये हिंदू राइट घोषित करने का टैग यहां पर तमाम जितने लोग हैं इन लोगों के हाथ में देख पा रहे होंगे। हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या मांग है आपकी? हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तमाम लोग हैं और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तख्तियाँ लोगों के हाथों में देख पा रहे होंगे। यहाँ से पीछे तक, जितना पीछे तक यहाँ तक नजर जाएगी और लोगों के हाथों में तख्तियाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और जो लोग हैं और तमाम जितने लोग हैं सभी लोगों के हाथों में ये तख्तियाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अचानक एकाएक लोगों के हाथों में से ये तख्तियाँ निकली हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? यूपी से, मऊ जिले से, बलिया जिला, जोधपुर, राजस्थान। तो आप लोग मनोकामना आपको जरूर पूरी होगी आप लोगों की। यहाँ पर देखे तमाम जो लोग हैं और जो श्रद्धालु हैं वो आपको दिख रहे होंगे, और सभी लोग देखे इधर भी नारा, इधर भी जो नारे हैं वो आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, और लोगों की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हिंदू राइट यहाँ पर घोषित किया जाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो कि हिंदू राइट घोषित करने का टैग यहाँ पर लिए, तो हम लोग इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। इनके आखिर में क्या डिमांड है? इनके आप मुख से सुन पा रहे होंगे हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी इनकी मनोकामना है, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार जैसा कि मांग गुरुजी भी करते आ रहे हैं, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर और इनके द्वारा भी यहाँ पर मांग की जा रही है।